मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव। आज आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस के रूप में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट हमारे एमए होम साइंस का एक विशिष्ट पेपर है। एमए होम साइंस में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों ने पहले से भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करी होंगी, आपको पूर्व में भी बहुत सारी इसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन स्टार्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की कहाँ से होती है, कहाँ से इसका प्रारंभ होता है, इस पर अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये हमारा एमए होम साइंस का 1.2 कोड है, और जिसका जो कि सब्जेक्ट 2 के रूप में जाना जाता है। इसमें हमें 6 क्रेडिट मिलते हैं। ये यूनिट 9 का पेपर है। यूनिट 9 में हम लोग प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में आज सविस्तार चर्चा करेंगे। प्री नेटल डेवलपमेंट क्या होता है, लेकिन इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी सेशन हमारा होगा, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है। ह्यूमन मतलब मनुष्य या मानव, मानव को हम किस रूप में समझ सकते हैं। तो शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, कैसे हमारा विकास होता है, कैसे हमारी वृद्धि होती है, इसके साथ साथ हम कैसे बालक से वयस्क और वृद्ध होते हैं, इसको हम सविस्तार डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करी जाए, शुरुआत करी जाएगी कि हमारे जीवन का प्रारंभ कहाँ से होता है। आइए देखते हैं कैसे इसको जानेंगे हम। तो सबसे पहले प्रीनेटल डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं, तो प्रीनेटल का मतलब होता है जन्म से जो पूर्व का समय होता है, उसे हम प्रीनेटल डेवलपमेंट के रूप में समझ सकते हैं। और पोस्टनेटल लाइफ होती है जन्म के पश्चात। लेकिन जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात जानने से पहले हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम दो प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। एक हम बालक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि बाल मनोविज्ञान के रूप में समझी जाती है। बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान बालक के मनोविज्ञान की चर्चा करता है, जो कि हमारे जन्म से पूर्व की अवस्था से प्रारंभ होता है और किशोर अवस्था तक चलता है। जन्म से पूर्व की अवस्था जो है, जिसे कि हम गर्भावस्था के रूप में समझ सकते हैं। गर्भावस्था ये हमारे जन्म से पूर्व की अवस्था है, जो कि 3 उप अवस्थाओं में विभाजित होती है, जिसे हम ओवम, एम्ब्रियो और फीटस के रूप में समझते हैं। ये इसका इंग्लिश नाम है। ओवम को हम बीजावस्था कहते हैं, एम्ब्रियो को हम भ्रूणावस्था कहते हैं, और फीटस को हम नवजात काल के पूर्व का जो समय है, यानी कि गर्भाशय शिशु की अवस्था के रूप में समझते हैं। अब हमारी जो गर्भावस्था है, जो कि 3 उपअवस्थाओं में विभाजित है, ये जो समय काल है, इसी को हम प्रीनेटल पीरियड के रूप में जानते हैं, जो कि लगभग 280 दिन या 10 चंद्रमास या 9 माह का समय कहलाता है। अब जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो हमारा जो अध्ययन प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। अब आप कहेंगे कि किशोरावस्था क्या है, गर्भावस्था क्या है, इसे हम क्यों अवस्थाओं के रूप में जान रहे हैं? तो हम आपको बता दें कि हमारा जो जीवन है वो विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित है। अब वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमने अभी आपको बताया कि पोस्टनेटल और प्रीनेटल लाइफ है, तो जो हमारी प्रीनेटल लाइफ है उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको हम गर्भावस्था के रूप में भी यहाँ पे लिख लेते हैं।
शुरुआत हमारे जीवन की यहीं से हो रही है, लेकिन इसके बाद के जो जीवन की अवस्थाएं हैं यहाँ पर हम आपको उसके बारे में बताएंगे। पहला हमारा आता है शैशवावस्था। इसे हम इन्फेंसी के नाम से जानते हैं। ये हमारे जन्म लेने के बाद से लेकर लगभग 2 सप्ताह तक का समय हरलॉक के द्वारा माना गया। हरलॉक एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल मनोविज्ञान पे और विकासात्मक मनोविज्ञान पे बहुत चर्चा करी है, बहुत अध्ययन किया है और अपने परिणामों के आधार पे उन्होंने बताया है कि जो शैशवावस्था का समय होता है वो जन्म के बाद से प्रारंभ होता है और लगभग 2 सप्ताह तक चलता है, 0 to 2 weeks। लेकिन जो अन्य मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसे 2 वर्ष तक का समय माना है। तो यदि आप लोगों को कहीं किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंशन करना होता है कि हमें शैशवावस्था का समय काल क्या है तो आप जन्म से 2 वर्ष का बताएंगे, लेकिन जब आप हरलॉक के द्वारा बताएंगे तो आप बताएंगे जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक का। ठीक है, ये हमारा शैशवावस्था का काल हो गया। अब शैशवावस्था में जन्म के बाद की पहली अवस्था के रूप में जानी जाती है। दूसरी अवस्था के रूप में हम बचपन अवस्था को लेते हैं। बचपन अवस्था का समय काल 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का माना गया है। तीसरी अवस्था हमारी है बाल्यावस्था। ये हमारा लगभग 5-6 वर्ष से प्रारंभ होता है और 12 वर्ष तक चलता है। बचपन अवस्था को इंग्लिश में बेबीहुड कहा जाता है और बाल्यावस्था को चाइल्डहुड कहा जाता है। जब हम इन अवस्थाओं के बारे में आपको विस्तार में बताएंगे तब इसके जो उप अवस्थाएँ हैं उसके बारे में भी बताएंगे। अभी हम लोग मोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो बाल्यावस्था के बाद हमारा शुरू होता है वयसंधि अवस्था। ये लगभग 13-14 वर्ष से प्रारंभ होता है और ये हमारा हमारे किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में ही समाप्त होता है। ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है, लगभग 13-14 और कभी कभी ये 9-11 वर्ष में भी प्रारंभ माना जाता है, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत उस पर निर्भर करता है कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति किस प्रकार से दूसरे से भिन्न है। वयसंधि काल सबका अलग अलग होता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर इसका समय भी अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर इसे हम 12 वर्ष या 13 वर्ष के बाद से लेकर 14 वर्ष तक के समय में कन्फाइन देखते हैं। अब हमारा आता है किशोरावस्था जो कि लगभग 14 वर्ष से शुरू होता है और ये 21 वर्ष तक चलता है। इसे हम एडोलेसेंट पीरियड के रूप में जानते हैं और जो वयसंधि काल है इसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो एडोलेसेंस पीरियड है जिसमें जो बालक सफ़र कर रहे होते हैं, यानी कि जो उस अवस्था से गुजर रहे होते हैं उन्हें हम एडोलेसेंट कहते हैं। एडोलेसेंस अवस्था है और एडोलेसेंट उससे गुजरने वाला वो विशेष व्यक्ति है जो कि पुरुष और महिला के रूप में भविष्य में देखने को मिलेगा। इसे हम लड़का लड़की के रूप में अभी हम समझ सकते हैं। क्योंकि बाल अध्ययन किशोरावस्था तक होता है तो किशोरावस्था के आगे की चीज़ें हम विकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में पढ़ते हैं जो कि हमारे कोर्स का पार्ट तो है ही और यहाँ पर हम उसकी चर्चा भी करेंगे। किशोरावस्था के बाद आता है वयस्कावस्था। इसे हम 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के समय में कन्फाइन करते हैं। इसे एडल्टहुड भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा आता है प्रौढ़ावस्था
जो कि मिडिल एज के रूप में समझा जाता है। इसका समय काल 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष का माना गया है। प्रौढ़ावस्था के बाद का जो समय होता है 60 से 80 वर्ष का होता है, जिसे कि हम वृद्धावस्था कहते हैं। इसे ओल्ड एज भी कहा जाता है। अब 80 वर्ष से लेकर जब तक कि हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक का जो समय काल है वो सब वृद्धावस्था में ही काउंट होता है। तो 80 ईयर टू टिल डेथ। ये तो हमारा जीवन काल हो गया, जो कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजर रहा है। अभी हम उस काल के जो पहले की स्थिति थी, यानी कि जो हमारा प्री नेटल पीरियड, यानी कि जन्म लेने से पूर्व की जो अवस्था है, उसी पर सविस्तार चर्चा करने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जो प्री नेटल पीरियड है, यानी कि जो गर्भावस्था है, वो 280 दिन या 10 चंद्रमास या 9 माह का समय है। और उसके हमने आपको तीन उपावस्थाएं बताई थी, ओवम, एम्ब्रियो और फीटस। ये तीनों गर्भावस्था को दर्शाते हैं, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं का अलग अलग समय काल है। क्या समय काल है? देखिए, गर्भधारण कहाँ और कैसे होता है, तो एक यूनियन ऑफ मेल सेक्स सेल और यूनियन ऑफ फीमेल सेक्स सेल का जब यूनियन होता है, यानी कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल का जब यूनियन होगा, तब फर्टिलाइजेशन होगा, तब गर्भधारण होगा। और गर्भधारण के बाद से लेकर लगभग 36 घंटे के पश्चात एक नए जीव का प्रारंभ होता है। अब ये जो नए जीव का प्रारंभ हो रहा है, ये लगभग 9 माह तक अपने वृद्धि और विकास को प्राप्त करेगा। अब वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसका समय क्या होता है, तो गर्भधारण से लेकर, यानी कि 0 से लेकर 2 सप्ताह का जो समय है, ये ओवम का माना गया है। 2 सप्ताह से 2 माह का जो समय है वो एम्ब्रियो का माना गया है, और 2 माह से जन्म बर्थ तक का जो समय है, यानी कि 0 to 2 week, 2 week to 2 month और 2 month to till delivery का जो समय है, ये गर्भावस्था का माना गया है। अब हमारा जो विकास हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, वो किस क्रम में हो रही है? तो विकास जो है वो पहले होता है या वृद्धि पहले होती है, इसको हम लोग जानेंगे। विकास और वृद्धि को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। तो वृद्धि को हम क्वालिटी में नहीं ऑब्जर्व कर सकते, वृद्धि को हम क्वांटिटी में ऑब्जर्व करते हैं। वृद्धि को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट और वेट के रूप में हम वृद्धि को समझते हैं। वृद्धि हमारी काउंट की जा सकती है, हमारा जो विकास है वो काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं कि जो भी हमारा विकास का क्रम है वो कैसा है, विकास अच्छा हो रहा है, विकास बुरा हो रहा है, विकास मध्यम श्रेणी का हो रहा है, उसका एक हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसका एक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वृद्धि और विकास दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में जाने जाते हैं। वृद्धि पहले हो रही है और विकास बाद में हो रहा है, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि पहले क्या हो रहा है। जब हमारा निर्माण होता है, यानी कि हम जीव के रूप में, नए जीव के रूप में हमारा जब निर्माण होता है, तब हम पहले वृद्धि को प्राप्त करते हैं, फिर धीरे धीरे जो चीज़ बन जाती है, जिसका निर्माण हो जाता है, उसका विकास होता है। उसका विकास किस क्रम में होता है, तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, कुछ सिद्धांत बने हुए हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अध्ययनों के आधार पर अलग अलग सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है, लेकिन जो बेसिक सिद्धांत हैं हमारे विकास के, आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि बेसिक सिद्धांत हमारे कौन कौन से हैं और कैसे ये सिद्धांत प्रभावित होते हैं। तो जब हमारा एक नए जीव के रूप में निर्माण हुआ, निर्माण कैसे हुआ, हमने आपको बताया कि गर्भधारण हुआ। गर्भधारण कैसे हुआ,
स्पर्म और ओवम फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ और नए जीव का निर्माण हुआ। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये मेल सेक्स सेल के रूप में जाना जाता है। यानी कि मेल सेक्स सेल से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ है वो स्पर्म है और ये फीमेल सेक्स सेल से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये गोनैड्स के द्वारा प्राप्त होते हैं। गोनैड्स क्या हैं? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ से रिलीज होने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो कि नए जीव के निर्माण में सहयोग करता है। अब हम स्पर्म और ओवम के फ्यूज होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं? नवजीव, जो कि फर्टिलाइज होने के बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद प्राप्त होता है। अब ये कैसे समझेंगे हम? हमने आपको अभी बताया है मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, तो इसको हम आपको बता दें फीमेल सेक्स सेल जो होते हैं उसे हम एक्स एक्स के रूप में और मेल सेक्स सेल को हम एक्स वाई के रूप में समझते हैं। एक्स एक्स और एक्स वाई को हम डिटेल में समझने के लिए आपको बता दें, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, आपका बचपन से मतलब है कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा कि कैसे वंशानुक्रम होता है, मेंडल्स लॉ आपने पढ़े होंगे। तो बेस वही है, एक्स एक्स और एक्स वाई फ्यूज होंगे तो ये आपका फीमेल यानी कि स्त्री के पास से सदैव एक्स एक्स की प्राप्ति होती है और पुरुष के पास से एक्स वाई की भी प्राप्ति हो सकती है और एक्स एक्स की भी प्राप्ति हो सकती है। ये क्रोमोसोम नंबर है, क्या है ये? क्रोमोसोम नंबर, एक्स वाई क्रोमोसोम और एक्स एक्स क्रोमोसोम। यदि एक्स एक्स फ्यूज होते हैं तो यहाँ पर फीमेल बनता है और यदि एक्स वाई फ्यूज हुए तो यहाँ पर मेल बनेगा। ये हमारे लड़का और लड़की बनने के लिए या हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, हमारे यौन निर्धारण के लिए होने वाली प्रक्रिया है। इसी के आधार पर हम लड़का या लड़की बनते हैं। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे जीन्स के रूप में हमारे पैतृक गुणों का ट्रांसफ़र करते हैं। एक आपको बेसिक फिगर दिखा देते हैं। ये मान लीजिए पैटर्नल पेरेंट हैं, पैटर्नल पेरेंट से क्या तात्पर्य है? पैटर्नल पेरेंट से तात्पर्य है जो हमारे पिता के माता पिता हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, उन्हें हम पैटर्नल पेरेंट कहते हैं। और ये हमारे मैटर्नल पेरेंट हैं। यानी कि ये हमारे माता के माता पिता हैं। अब पिता के माता पिता के द्वारा हमें पिता की प्राप्ति हो रही है, फादर मिल गए हमें, और यहाँ हमें मदर मिल गई। ये मिल गए पिता और ये मिल गई माता। अब ये बन गया बालक, माता पिता के मिले, ऐसे बालक के निर्माण हुआ। यहाँ से हमें कितने क्रोमोसोम मिले? 23। यहाँ से कितने मिले? 23। यहाँ से कितने मिले? 23। यहाँ से कितने मिले? 23। इनके पास 23 इनके, 23 इनके मिले, इनका 46 हो गया। इनके पास 23, 23 इनके मिले, इनका भी 46 हो गया। अब माता और पिता के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। पिता के 46 में से बालक को 23 मिल गए और माता के 46 में से बालक को 23 मिलकर यहाँ हो गया 46। तो ये बन गया मानव, ठीक, निर्माण हो गया। यानी कि हाउ लाइफ बिगेंस, आपका एक कंटेंट इसमें दिया हुआ है, हाउ लाइफ बिगेंस, जीवन
कैसे प्रारंभ हो रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया जीवन कैसे प्रारंभ हुआ। अब हमने आपको बताया था कि जीवन जो है वो कुछ विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। वो विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो जीवन जो है वो गर्भ से ही काउंट किया जा रहा है, गर्भधारण हुआ, जीवन का प्रारंभ हो गया। लेकिन सिद्धांत क्या है, कैसे हम वृद्धि को प्राप्त करेंगे, कैसे किस क्रम में हम विकास करेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत ये है कि विकास जो है वो अवस्थाओं द्वारा अग्रसर होता है। अवस्था मैंने आपको बताई थी, जैसे इन्फेंसी है, बेबीहुड है, चाइल्डहुड है, प्यूबर्टी है, एडोलेसेंट है, अडल्टहुड है, मिडिल एज है और ओल्ड एज है। तो जीवन की विभिन्न अवस्थाएँ, इन अवस्थाओं से होकर प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, छोटा हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति विशेष हो, वो इन अवस्थाओं से होकर ही अपने जीवन के विकास को, वृद्धि को प्राप्त करेगा। तो जीवन जो है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर अग्रसारित होता है। दूसरा पॉइंट है कि विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, और अधिगम मतलब जो हम सीख रहे हैं, जो लर्निंग हम प्राप्त कर रहे हैं। जीवन के हर दौर में हम अच्छे बुरे बहुत सारे कार्यों को करते हैं, बहुत सारे परिणामों को प्राप्त करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे परिपक्वता के स्तर को प्राप्त करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा सीखने की क्षमता जो है वो भी अलग होती जाती है, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिलता है। हम किस प्रकार से विकास के प्रतिमानों में विकास को अधिगम और परिपक्वता के फलस्वरूप प्राप्त करेंगे, ये हमारे विकास के द्वारा प्रदर्शित होने वाले कार्यों के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे अगर आप किसी छोटे बालक को कोई कागज़ दे देते हैं, कोई पेंसिल दे देते हैं और आप उससे उम्मीद करते हैं कि ये परिपक्व है कि नहीं, हम इसको आइडेंटिफाई करें, तो वो थोड़ी देर बाद या तो कागज़ का जहाज़ बना देगा, या कागज़ पे कुछ वो लाइनें खींचेगा, कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींचेगा, या उसको कलर करेगा, और उसकी वो जो इमेजिनरी पिक्चर होगी वो उस कागज़ में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन यदि वो व्यक्ति परिपक्व है तो वो उस पर कोई ऑथेंटिक चीज़ लिखेगा, उसको किसी कैलकुलेशन में या किसी पिक्चर के लिए यूज़ करेगा उसी पेपर पेन को, तो ये प्रदर्शित करता है कि वो व्यक्ति परिपक्व है। और ये उसने कहाँ से सीखा, ये उसने अधिगम से सीखा। जैसे जैसे हम आयु को प्राप्त करते जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे विभिन्न प्रकार के अधिगम को हम परिपक्वता के साथ साथ प्राप्त करते जाते हैं। हमारा जो विकास है वो उसको हम प्रतिमानों के आधार पर उसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। एक आपने कहावत सुनी होगी कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, तो पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, ये दर्शाता है कि विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। किसी भी बालक को उसके जन्म के पश्चात देखकर आप बता सकते हैं कि वो भविष्य में गोरा होगा, काला होगा, या वो किस प्रकार की लंबाई का, किस प्रकार के कद काठी का व्यक्ति बनेगा, क्या वो बहुत क्रियाशील होगा, बहुत कर्मठ होगा, या वो बहुत आलसी प्रवृत्ति का होगा, ये भी आप उसके द्वारा किए जाने वाले कृत्यों के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास का एक निश्चित क्रम है। निश्चित क्रम से तात्पर्य क्या है, निश्चित क्रम से तात्पर्य है कि विकास अचानक से नहीं होगा। जो हमने आपको जीवन की अवस्थाएं बताई हैं, विकास स्टेप बाय स्टेप एक निश्चित क्रम से ही होगा। कोई भी चीज़ अचानक से निकल जाए, आपके शरीर में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ें शुरुआत होती हैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक क्रम से ही चलना होता है। इसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं कि विकास का एक निश्चित क्रम है। दो प्रकार क्या हैं कि विकास मस्तकाधोमुखी होता है, यानी कि विकास सिफेलोकॉडल होता है। सिफेलोकॉडल शब्द स्पेसिफिक इसके लिए यूज़ किया जाता है। सिफेलोकॉडल को हम मस्तकाधोमुखी कहते हैं, यानी कि सिर से पाँव की ओर ही विकास होगा, चाहे वो गर्भावस्था में हो, चाहे वो गर्भावस्था के पश्चात हो, यानी कि जन्म के पश्चात हो। हम जन्म के बाद की अगर स्थिति देखें और जन्म के पूर्व की स्थिति देखें, तो सबसे पहले हमारे सिर का विकास होता है। ऑलपिन के हेड के बराबर सिर, उसमें सारे क्रियाएं, और उसके बाद आपकी बाकी की बॉडी बनती है। बाकी की क्रियाएं भी वहीं से गवर्न होती हैं। हमारा जो सिस्टम है, वर्किंग सिस्टम, वो हमारा ब्रेन है। ब्रेन के बाद बाकी बॉडी पार्ट और उसकी क्रियाएँ शामिल होती हैं। और अगर आप जन्म के बाद की बात करेंगे, तो किसी भी शिशु को आप देखिए,
सबसे पहले उसका हेड स्टेबल होता है, नहीं तो नवजात शिशु होता है उसका सिर एक दो साइड में लुढ़कता रहता है, वो बिल्कुल प्रॉपर स्टेबल नहीं होता है। शिशु का सिर स्थापित हो जाएगा, फिर उसकी आँखें, उसके बाद उसके कान, उसके बाद उसका स्वाद, फिर वो अपने हाथों का प्रयोग अगर कर रहा है तो हाथों में पहले भुजाएं, बाद में उसका पंजा और उसके बाद उंगलियां। यदि आप किसी शिशु को कोई बॉल दे दीजिए और आप उसको एक सुई दे दीजिए तो वो पहले अपने हाथों का प्रयोग करेगा, भुजाओं का प्रयोग करके वो बॉल को पकड़ेगा, बाद में जब उसका पाम विकसित होगा तो वो मुट्ठी से पकड़ना चाहेगा, और जब उसकी फिंगर्स विकसित हो जाएंगी तब वो पिंसर ग्रास्प के दौरान उंगली से पेंसिल पकड़ेगा। आप देखिए किसी भी बालक को कि जब वो पेंसिल या पेन पकड़ता है तो वो ऐसे पकड़ता है, फिर जब वो और परिपक्व हो जाता है और अधिगम को प्राप्त करता है तब वो जाकर ऐसे या स्पेसिफिक जो भी पोस्चर उसको बताया जाता है उसके हिसाब से पेन या पेंसिल को पकड़ता है। लेकिन जब नवजात शिशु होता है तो वो कोई भी चीज़ को पूरे अपने पंजे के साथ पूरे मुट्ठी में पकड़ने का प्रयास करता है। तो ये हमारा लेक्चर जो है यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।